हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक अभी अभी मेरी लाइक थोड़ी देर पहले सुबह हुई है। उससे पहले भी बहुत दफ़ा सुबह हो चुकी है। मेरे अम्मू ने मुझे 10 बार उठाया और 10 बार मैं सोई हूँ। तो खैर है, सो टुडे इट्स लाइक 4th of July एंड 4th of July बेसिकली इंडिपेंडेंस डे है USA का। यूएस से आज़ाद हुआ था 4th of July को, बट मुझे एयर याद नहीं है, लेकिन मुझे 4th of July का पता है बस। तो खैर जब मुझे सिटीजनशिप मिलेगी तो मैं सब कुछ याद कर दूँगी। तो खैर मैं बताना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी, मैं क्या बताना चाह रही थी यार, मैं भूल गई। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या किया। ठीक है, बाय। सो मैं गई थी बस अपनी फ्रेंड के घर पे, और वहाँ पे मैंने मुन्ने के साथ बैठ के खेला और मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बातों में टाइम नहीं मिल गया। तो खैर प्रिंसिपल मैं घर पे आई और मैंने घर पे आके जल्दी से यखनी तैयार की और मैंने बनाया पुलाव। तो यखनी तो आपको पता है बेसिक चीज़ें ही डलती हैं उसके अंदर, और यहाँ मैंने बनाया पुलाव का मसाला। लाइक मसाला तो नहीं था, खैर बस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी। और जब मैं आई थी ना, मेरा मुन्ना इतना रो रहा था यार। तो खैर मेरी दोस्त मेरे साथ आ गई थी, तो उसने मुन्ने को संभाला था, लेकिन स्टिल वो बहुत रो रहा था। तो मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस मैंने उसी को वैसे करके कर लिया। तो मैंने प्याज वो किया, उसके अंदर मैंने मीट डाला, अदरक लहसुन डाला, उसके बाद मैंने उसको भूना अच्छा खासा। फिर मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए, दही डाल दिया, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था, जीरा वगैरह डाला था, कुटी मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, और इस तरह मैंने बना लिया। सो पुलाव इज रेडी, लुक एट द फाइनल रिजल्ट गाइस, ओ माय गॉडनेस। कैसा बना है जरा बताओ। सो हियर इज द फाइनल लुक। मैंने खाया चटनी के साथ, दोनों मैंने चटनियाँ डाली हैं, और रायता तो नहीं बनाया था और खीरा का दिया था। और टुडे इज द 4th of July। सो हमारे यहाँ पे 4th of July को ऐसे फायर वर्कस होते हैं, पटाखे वटाखे ये वो। तो मैं तो नहीं जा सकी क्योंकि मेरा मुन्ना इतना तंग कर रहा था। तो फिर मैंने, और वो सोया ही 9:30 बजे था, तो मैं 10 बजे कैसे चली जाती। तो मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, मैं ने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे वीडियो बना के भेज देना ताकि मैं अपलोड, मैं बेसिकली व्लॉग बनाने के लिए जाना था मुझे, लेकिन यार उसकी वजह से मैं नहीं गया पाई। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कह रहे तो तुमने बहुत देखे बचपन से, हम शादियों में देखते ही आ रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस मैंने कहा लेकिन हाँ व्लॉग के लिए मुझे वीडियो चाहिए, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे भेज दे, तो फिर उसने भेज दी थी। खैर वो भी जल्दी आ गई थी क्योंकि उसके बेटे ने भी इतना तंग किया था, क्योंकि रात के 10 बजे यार बच्चे को सोने का टाइम हो जाता है। तो फिर और लेकिन ये क्या अंधेरा भी यहाँ पर 10 बजे ही होता है, पूरा 9 बजे तक तो ऐसी रोशनी हो रही होती है, तो इसलिए। और ये देखें आप कितना अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, और सामने से देखें तो और मज़ा आता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो डाल दूँगी और आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, एंड वीडियो ख़त्म हो जाएगी खुद ही, आप लोग फायरवर्क्स देख लो थोड़ा सा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है, एंड लाइक शेयर ज़रूर करना, और शेयर करके ज़रूर कमेंट शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएँ कैसे ब्लॉग कैसा था। ओके बाय।